أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم ایک مرتبہ آواز بلند کر دے پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ایک مرتبہ اور آواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الملا صلاة دائمة بدوام ممكن لا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی دیوی توفیق سے ہم اور آپ ہمارے سرکار کی اس بابرکت محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہمارے نکاوہ سے تشریف لائے حضرت مولانا سہیل احمد نقشبندی صاحب اور آج الحمدللہ ہمارے گونڈل کے مویہ روڈ کے امام صاحب بھی تشریف لے آئے اور سادات اکرام بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو آپ نے ابھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سرکار کی اطاعت اور فرما برداری پر جو حضرت سے آپ نے بیان سماعت کیا سچ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں اترے نعرے لگانے والے بہت ہیں اچھلنے کودنے والے بھی بہت ہیں اور دعوے کرنے والے بھی بہت ہیں مگر جب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں تو وہ باتیں ہم پر کم اثر کرتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے پیارے آقا کے سچے عاشق اور دیوانے بن جائیں اور ہمارے سرکار کا سچا دیوانہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اولیاء اکرام کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے تھے اور کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی جبکہ ہمیں یہ جو دین اسلام ملا بیٹھے بیٹھے ہی اور بڑی آسانی سے ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارے کانوں میں ہمارے مسجد کے امام نے اذان دی اور ہم بڑے ہوئے. بڑی آسانی سے ہمیں یہ دین اسلام مل گیا مگر آپ نے سنا ان دو چار دن بیانات کے اندر کے صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے خاطر کس قدر قربانیاں دی, کس قدر ان لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر
अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अपने घरों को छोड़कर दरियाओं में, रेगिस्तानों में, जंगलात में पास कुछ नहीं होता था, मगर उनकी हालत और उनकी कैफियत ये होती थी कि हम जो दीन इस्लाम हमारे आका लेकर आए हैं हम उस पर कुर्बान हो जाएं, हम उस पर मर मिटें। इस कदर उनका जज्बा और इश्क की कैफियत थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर इस कदर चलना, इस कदर अपनाना कि उन्हें किसी बात का अगर पता भी नहीं होता था, मगर उसके बावजूद भी कहते कि एक दिन सरकार ने यूं किया था, एक दिन सरकार ने यूं किया था। आपने सुना है ना, एक दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला आप ने वुजू किया और वुजू करने के बाद आप खड़े हुए और खड़े होकर आप मुस्कुराने लगे। आपके साथ के जो सहाबा खड़े थे उन्होंने पूछा कि हजरत ऐ उस्मान क्या बात है, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो, और उधर तो कोई चीज है ही नहीं, वहां तो कोई मुस्कुराने की बात है ही नहीं और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, किस वजह से मुस्कुरा रहे हो। हजरत उस्मान गनी ने कहा यारों पता तो मुझे भी नहीं है कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, बस एक मर्तबा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह पर देखा था, आपने वजू किया और आप खड़े हुए और आपने उसी तरफ देखकर आप मुस्कुरा रहे थे। अब बताओ कि मैं तुम्हें वजह बताऊं या यार की अदा बताऊं, मुझे पता तो कुछ नहीं है। तो सहाबा की तो हालत ये थी कि वो सरकार की हर अदाओं पर नजर रखते थे और इस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते। हर एक सहाबी का ये हाल, हर एक अल्लाह के वली का ये हाल कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ा। तो इसलिए आज हमें जरूरत अमल की है। आज जुमा के अंदर इमाम साहब ने मुझे बयान के लिए कहा, ये इनकी मोहब्बत है, तो कुछ यारों ने, कुछ दोस्तों ने असर की नमाज शुरू कर दी है, हम दुआ करें अल्लाह ताला उस पर उन्हें कायम रखे और अपने दोस्तों को भी उसके अंदर शरीक करें। हाँ, हमें वक्त नहीं मिलता, जैसा कि आपने सुन लिया था जुमा में, हम अगर एक नमाज को पकड़ लेंगे मजबूती से तो फिर वो नमाज हमें पकड़ लेगी, फिर वो नमाज हमें मजबूती से पकड़ लेगी, हम असर की पकड़ेंगे, मगरिब की हमें पकड़ लेगी। वो क्यों होगा, इसलिए कि रब तबारक व ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, अगर बड़े से बड़ा गुनहगार भी मस्जिद से दूर है मगर जब कभी भी उसके दिल पर कोई चोट लग जाती है और वो अपने दिल के अंदर इरादा कर ही लेता है और मस्जिद के अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल होता है उसके सर पर तो गुनाहों का बोझ होता है, गुनाहों की गठरिये होती है। तो जब वो वुजू करके जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने मलाइका से फरमाता है ऐ फरिश्तों इसके सर पर जितने भी गुनाहों का अंबार है, बोझ है, उस सबको अब उतार कर रख दो, उसे उतार
उतार दो, अब इसके सर पर गुनाह नहीं रहने दो, इसकी गठरियां उतार कर रख दो, ये अभी मेरी बारगाह में झुकने वाला है, अभी ये रुकू में जाकर सुभान रब्बियल अजीम कहने वाला है, सजदे में जाकर अपनी पेशानी को और अपने नाक को रगड़ कर ये मुझे सुभान रब्बियल आला कहने वाला है। तो अब इसके गुनाहों को उतार दो। जब मलाइका उसके गुनाहों को उतार कर रख देते हैं और वो सच्चे दिल से रब तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो जाता है, और जब नमाज से फारिग होकर दुआ करने के बाद वो जब वापस उठकर जाने लगता है, फरिश्ते वापस जल्दी से उसके वो जो गुनाहों का बोझ और वो जो गठरियां होती है उसकी तरफ बढ़कर उठाकर वापस उसके सर पर रखना चाहते हैं, मगर रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आता है। रब तबारक व तआला फरमाता है, खबरदार है फरिश्तों, अब ये गुनाहों की पोटलियां इसके सर पर नहीं रखो, इसलिए कि मैं अरहमुर राहिमीन हूं। अरे क्या हुआ, ये अब तक नहीं आया था मगर अब ये मेरे दर पर आ गया है, और अब इसने तौबा कर ली है, अब ये मेरे सामने झुक गया है, अब मेरी रहमत को गवारा नहीं है, जो मेरे सामने झुक जाए वापस मैं गुनाह उसके सर पर रख दूं। नहीं फरिश्तो, इन गुनाहों को हटा दो, इन गुनाहों को हटा दो। आज हम समझते हैं कि हम मस्जिद में नहीं जाते, अरे हम नहीं जाते, अल्लाह ताला की रहमत ने हमसे मुंह फेर लिया। इसलिए जिन दोस्तों ने असर की नमाज शुरू की है वो दिल में ये फैसला कर ले, वादा कर ले कि आज के बाद हमें नमाज छोड़नी नहीं, चाहे हमारी कैसी भी हालत हो जाए, काम छूटता हो छूट जाए, कोई नाराज होता हो जाए, रिश्तेदार छूटते हो छूट जाए, कारोबार के अंदर नुकसान हो रहा हो जाए, अरे ईमान मजबूत उसी का है जो अपने मौला पर भरोसा रखकर अपने कारोबार को बंद करके मस्जिद की तरफ चला जाता है। आज हम समझते हैं कि हम जाएंगे तो हमारी दुकान में गिरा क्यों ही चला जाएगा, हमारा काम रुक जाएगा, नहीं, अल्लाह ताला हमें खिलाने वाला है। क्या अल्लाह ताला समंदरों के अंदर मछलियों को रिज़्क नहीं देता है? क्या अल्लाह तबारक व ताला जंगलात के अंदर रहने वाले जानवरों को रिज़्क नहीं देता है? हर एक को रब तबारक व ताला रिज़्क अता फरमाता है। और कुछ तो ऐसी मखलूक है जो पत्थरों के अंदर रहती है, अब पत्थरों को जब हम तोड़ेंगे उसके अंदर वो छोटे छोटे कीड़े होंगे, वो क्या कुछ खाते नहीं है? उनको भी रिज़्क अल्लाह ताला ही पहुंचाता है। औलिया इकराम का ईमान ऐसा था, हजरत बायजीद बुस्तामी आप एक जगह अपने मुरीदों के साथ जब किसी गांव के अंदर पहुंचे तब आपके साथ में जो मुरीदीन थे, और जैसे ही उस गांव में गए नमाज का वक्त हो गया, और नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में गए वो इमाम साहब थे वहां, अब इमाम साहब ने देखा कि हुजूर बायजीद बुस्तामी आप तशरीफ लाए, इतने मुरीदीन हैं, और कहां बुस्ताम है और कहां आ गए हैं, इनके खाने पीने का इंतजाम उस इमाम ने पूछ लिया, हजरत आपके खाने पीने का इंतजाम कहां से होगा? आपने कहा कि नमाज के बाद में देखते हैं बात करते हैं, आपने उसकी बात का सही जवाब नहीं दिया, और जब नमाज खड़ी हुई तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने उस इमाम के पीछे आपने नमाज नहीं पढ़ी, अलग पढ़ी, आपने अलग से नमाज पढ़ी। लोगों ने देखा सलाम फेरने के बाद के हजरत तो अलग नमाज पढ़ रहे हैं। बाद में आपसे पूछा, कहा कि हजरत आपने अलग से नमाज क्यों पढ़ी, आपने इमाम साहब के पीछे क्यों नहीं पढ़ी? तब आपने कहा कि उस शख्स के पीछे नमाज कैसे हो सकती है जिसको अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है, जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं है उसके पीछे नमाज कैसे हो? तो औलिया इकराम का मकाम, अल्लाह के महबूबों का मकाम तो देखो कि इतनी सी बात उनके नजदीक कितनी बड़ी है। कहा कि आपके खाने का इंतजाम कहां से होगा? तो
तो आज हम ये समझते हैं कि हमारे काम करने से, हमारी मेहनत करने से, हमारे माल की वजह से माल बढ़ रहा है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है। सहाबा इकराम का ये ईमान था, ताबईन का ये ईमान था, उस दौर के औलिया का ये ईमान था, और आज भी कुछ ऐसे मजबूत ईमान वाले लोग जिंदा हैं। तो हमें भी हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब की जिंदगी सुनकर, सिर्फ सुनकर खुश होकर नहीं जाना, बल्कि हमें उन बातों में से वो जो उसका निचोड़ निकलता है, जो उसका सबक हमारे लिए बचता है, हमें उसे अपनी जिंदगी में लेकर आना है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब को, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, तिलावत की है, रब तबारक व ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई साइल आए तो उसे झिड़कना नहीं, उसे खाली मत भेजना, उसे झिड़कना नहीं। रब तबारक व ताला फरमा अपने महबूब से रहा है, अपने महबूब को कह रहा है, मगर सुनाना और बताना अब महबूब की उम्मत को है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही किसी को खाली नहीं भेजते थे। कोई गैर भी आ जाता था, कोई यहूदी भी आ जाता, कोई और भी आ जाता था, आप उसकी भी मदद फरमा देते। उसकी जो उसका जो सवाल होता था, आप उसको ही पूरा कर देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी हालत कुछ बदली हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था और बहुत धीरे धीरे कमजोरी की हालत में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर बैठ गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हालत देखकर जान चुके थे, मगर आपने पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? तो कहा, या रसूल अल्लाह, आज 4 दिन हो गए हैं, अबू हुरैरा ने कुछ खाया नहीं है। अबू हुरैरा को कुछ खाने को मिला नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आया हूं, आप कुछ दुआ कर दें या कुछ मुझे अता कर दें। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, आज 4 दिन मुझे भी हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी 4 दिन तक भूखे हैं। मगर हजरत अबू हुरैरा के हाथ में एक थैली थी। सरकार ने पूछा, इसके अंदर क्या है? तो कहा, या रसूल अल्लाह, इसके अंदर खजूरें हैं। तब आपने कहा कि तू कह रहा है 4 दिन से कुछ खाया नहीं और खजूरें लेकर घूम रहा है, खा लेंगे खजूरें। तो कहा, या रसूल अल्लाह, ये खजूरें जो इस थैली में है, ये खाने के लायक नहीं है, कोई सड़ी हुई है, कोई सूखी हुई है, और ये मैंने मदीने की गलियों से, कीचड़ से, यहां वहां से उठा उठा कर जमा किए, ये खाने के लायक नहीं है। तो सरकार ने फरमाया, फिर क्यों लेकर घूम रहा है? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे खौफ है कि कहीं मैं इसी हालत में मर नहीं जाऊं, और अगर मुझे लगेगा कि अब मौत करीब है, उस वक्त ये मैं खजूरें खा लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा, इसलिए मैं ये लेकर चल रहा हूं। तो सरकार ने फरमाया कि ये खजूरें सामने रखो। हजरत अबू हुरैरा ने सारी खजूरें निकाल कर सरकार के सामने उंडेल दी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अपने हाथों से ले लेकर उनकी थैली में वापस डाल रहे, एक डाली, दो डाली, तीन डाली, चार, हजरत अबू हुरैरा गिनती कर रहे हैं। और जब सरकार ने सारी वापस थैली के अंदर डाल दी,
सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा कितनी खजूर हैं? कहा कि या रसूल अल्लाह 21 खजूर हैं। कहा कि अब इसको बंद कर दो थैली को और अब इसे तुम्हें खोलना नहीं, ना इसके अंदर देखना है ना खोलना है, अब इसे तुम हाथ डालो निकालो और खाते जाओ, हाथ डालो खाओ और जिसको चाहो देते जाओ। हजरत अबू हुरैरा ने कहा ये तो खाने के लायक नहीं है। सरकार ने फरमाया निकाल कर देख तो सही। जब हजरत अबू हुरैरा ने वापस अपना हाथ डाला और हाथ डालकर जैसे ही खजूर निकाली तो वो खजूर इतनी ताजी खजूर थी जो बागों के अंदर पकी हुई खजूरें वो नहीं होती है, वैसी उस थैली से खजूर निकल गई। हजरत अबू हुरैरा बहुत खुश हुए। और क्यों नहीं खुश हो? इसलिए कि जब हालत किसी की ऐसी हो जाती सहाबा की तो वो इधर उधर नहीं जाते थे बल्कि हुजूर के पास चले आते। अब हजरत अबू हुरैरा उससे खजूरें खाने लगे। सरकार ने फरमा दिया खोलना नहीं देखना नहीं, बस हाथ डालो और खाते जाओ। हजरत अबू हुरैरा ने इतनी खाई मगर उसमें खत्म नहीं हो रही। 21 थी और 21 से ज्यादा आपने खा ली। और कुछ सहाबा ने कहा अबू हुरैरा हमें भी दे। हजरत अबू हुरैरा ने उन सबको बांटी, उन सबको दी और जो भी खाता है वो कहता है अबू हुरैरा ये किसके बाग से लाया है, कहां से लाया है, आज तक हमने ऐसी खजूर नहीं खाई। लोगों की भीड़ लगने लग गई कि अबू हुरैरा के पास में ऐसी खजूरें, लोग आने लगे और जो भी मांगता था बच्चा बूढ़ा कोई भी जवान आप उसे देते चले जाते। और होता क्या, आप जब हजर की नमाज के लिए मस्जिद नबी में आते थे नमाज पढ़ लेने के बाद आप मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े हो जाते, जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे उन सबको देते चले जाते। और ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर्दा फरमा गए। तब भी हजरत अबू हुरैरा के पास में वो थैली वैसे ही रही और आप उस वक्त तक बांटते रहे। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का दौर आया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में भी वो थैली यूं के यूं थी और यूं के यूं खजूरें ताजी निकलती थी। और ये सिलसिला चलता रहा। सहाबा ने हजरत अबू हुरैरा से पूछा अबू हुरैरा वो थैली तुम्हारे पास कब तक रही और तुमने उस थैली से कब तक खजूरें खाई, कितने अरसा तक खाई? हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने 3 साल तक उस थैली से खजूरें खाई। थी तो 21 मगर वो निकलती जा रही है निकलती जा रही है। न जाने हजरत अबू हुरैरा का उस थैली में हाथ जाता था या किसी और बाग में हाथ जाता था, इस कदर वो खजूरें निकलती रही। कहा कि फिर वो थैली कहां गई? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि वो थैली जिस दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला आप का इंतकाल हुआ, आप जिस दिन शहीद हुए थे हजरत उस्मान गनी, उस डर से मैं आपके गम में सब कुछ भूल चुका था। और मैं जब वहां पर पहुंचा और वापस जब मुझे अपनी थैली याद आई तो मैंने वापस उस थैली को वहां पर नहीं पाया, वो थैली उस दिन से गुम हो गई। और उस दिन हजरत अबू हुरैरा कहते थे जिस दिन हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया आप कहते कि लोगों तुम्हें एक गम है अबू हुरैरा को दो दो गम है। कहा दो दो गम क्या है? कहा कि वो सरकार ने जो थैली मुझे दी थी वो खजूरें जो दी थी, अरे उस दिन जिस दिन हजरत उस्मान गनी ने आप शहीद हुए थे उस दिन एक मुझे गम उस्मान का था और दूसरा मेरी थैली घूमने का था। बताओ कि अब तक वो थैली होती तो वो भी चलती रहती, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का इश्क और आपकी मोहब्बत सरकार से चाहत ऐसी थी कि वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े चले आते। और सरकार के पास में यूं नहीं कि सवाल करने वाला मांगने वाला जो भी आता था
अब अल्लाह ताला ने तो यूं फरमा दिया, वअम्मस्साइला फला तनहर, ए महबूब जो भी साइल आए उसे झिड़कना नहीं। अब यहां पर रब तबारक व ताला ने यूं नहीं फरमाया कहा कि अगर कोई खजूरें लेने आए तो उसे झिड़कना नहीं, कोई रुपये लेने आए तो उसे झिड़कना नहीं, कोई माल और दौलत लेने आए उसे झिड़कना नहीं, बल्कि कह दिया कि कोई साइल आए, कोई साइल आए। अब रब तबारक व ताला ने यहां पर अपने महबूब की शान बताई है, वो क्या, रब ने फरमा दिया कोई साइल आए, इसलिए के साइल पर ये बात है कि साइल आने वाला मेरे महबूब से जो चाहे मांग ले, मेरा महबूब वही अता फरमा देगा, मेरा महबूब वही अता फरमा देगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने अपने तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई। अब आने वाले पर है, सरकार से नहीं कहा कि आप ये देना नहीं, साहिल पर है, जो चाहे मांग ले वही अता कर दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, ये सदाकत के शहनशाह बन गए। उमर आए, हजरत उमर आप अदालत के जज बन गए। हजरत उस्मान गनी आए, आप रब तबारक व ताला की मोहब्बत के आशिक बन गए। हजरत मौला अली आए, आप सुजात के शहनशाह बन गए। जो भी कोई आया उसको सरकार ने इस कदर अता फरमाया कि वापस वो अपने दौर के शहनशाह हो गए, शहनशाह हो गए। एक मर्तबा कोई सैयद साहब थे उस जमाने में मदीना शरीफ के अंदर, या बाजों ने कहा कि हजरत इमाम हसन थे, और किसी ने कहा कि कोई सैयद थे, तो शहर मदीना में हातिम ताई जो गुजरा है ना, जिसकी सखावत बड़ी मशहूर है बहुत ज्यादा, आज जब कभी भी किसी को कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हातिम ताई हो गया है क्या, या तू हातिम ताई बनना चाहता है क्या, यानी उसका नाम लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो सखी इतना था, इस कदर अपने पास आने वालों साइलों को वो देता था। तो जो सैयद साहब थे वहां पर शहर मदीना में, हातिम ताई का पोता वो आया, और जब पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आपकी आल लिए हैं, तो वो मुलाकात के लिए आया। उसने सोचा वो मुझे भी जानते होंगे, वो आया और जब मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, तो उसके बाद में और लोग भी बैठे हुए थे, तो उन सैयद साहब ने हातिम ताई के पोते से पूछा, कहा कि आपके दादा की सखावत बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर है, और आप तो उनके साथ रहे हो, उनकी गोद में खेले हो, उनके खानदान के हो, थोड़ी हमें भी बताओ कि वो किस कदर अपने मंगतों को दिया करते थे, किस कदर बांटा करते थे, हमें भी बताओ। तो उसने कहा कि हमारे दादा, उनका इतना बड़ा महल था कि उसके सात दरवाजे थे, सात दरवाजे थे, और अगर मंगता कोई मांगने वाला साइल एक दरवाजे से आकर उनसे कुछ मांगता तो वो दे देते, और मंगतों की साइलों की भीड़ लगी रहती थी, और अगर कोई मांगने वाला एक दरवाजे से आकर उनसे कुछ मांगता वो दे देते, और अगर उस साइल के दिल में फिर लालच होता तो वो वापस जाकर दूसरे दरवाजे से घूम कर आ जाता। तो हमारे दादा उसे झिड़कते नहीं थे, पहचान लेते थे, मगर फिर भी उसको दे दिया कर दिया। फिर अगर वो और घूमकर तीसरे दरवाजे से आ जाता तो वो फिर भी दे देते, फिर उसके दिल में लालच आता, चौथे दरवाजे से आता फिर दे दिया कर, उसे मना नहीं करते। अगर वो घूम घूम कर आता रहता तो वो देते रहते। तो सैयद साहब मुस्कुराए, आपने कहा कि ये कैसी सखावत है,
ये कैसी सखावत है? सखावत तो हमारे नाना की थी, हमारे आका की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत थी। कहा कि वो कैसे? कहा कि तुम्हारे दादा, उनके पास में अगर कोई साहिल कोई मंगता आता तो वो देते, तो वो जब वापस जाता तो उसके दिल के अंदर जो लालच होता था वो और भड़क जाता था और वो वापस घूम कर आ जाता था। उसके दिल में वापस लालच अपनी अंगड़ाई ले लेता था और आ जाता था। हमारे नाना ऐसे थे, उनके पास में अगर कोई आता और वो उसे देते तो लालच खत्म हो जाया करता था और वो खुद दौर का शहंशाह बन जाया करता। उसके दिल का लालच खत्म हो जाता, तेरे नाना के पास तो आने वाले का और लालच बढ़ जाया करता, इसलिए कि वो देते ही थोड़ा थोड़ा होंगे। कहा कि नहीं नहीं, मगर वो खामोश हो गए। कहा कि हाँ, आपके नाना ही की असल सखावत है, उन्हीं से आज दुनिया के अंदर सखी लोग हुए हैं और सखावत पर फाइज ऐसे लोग हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया। आज हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन महाफिल के अंदर बैठकर हम सिर्फ सरकार के मौजजात सुनकर उनसे खुश नहीं हो, बल्कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर ये चीजें लाने की कोशिश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई भी आता, आप खाली नहीं भेजते, और आप क्या फरमाते थे कि अगर तुम्हें दुनिया में किसी जन्नती को देखना हो तो उसके दरवाजे पर चले जाओ जहां पर मंगतों की भीड़ लगी रहती है, उसके दरवाजे पर चले जाओ जिसके यहाँ पर मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है और वो अपने यहाँ आने वाले मंगतों को देता रहता है, यानी भलाई करता रहता है, लोगों पर रहम करता रहता है और लोगों की तकलीफों को दूर करता रहता है। चले जाया करो और उसे देख लो, इसलिए कि जन्नती वही है जो जिसके दर पर साइल मंगते आते हैं वो खाली नहीं जाते हैं, बल्कि उनकी झोलियां भर दी जाती हैं। सरकार ने उन लोगों को जन्नती कहा जो किसी परेशान हाल, अगर किसी अपने भाई से, किसी अपने खानदान के किसी रिश्तेदार से, आज हमारी हालत क्या है, अगर किसी के घर में परेशानी है तो है, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, हम आराम से रह रहे हैं, ये सरकार ने नहीं फरमाया। सरकार ने जन्नती उसको फरमाया जो परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर। आज कितनी गलत चीजें हमारे अंदर, कैसे कैसे हालात हमारे अंदर है, कोई किसी हालत में है, कोई किसी हालत में है, कोई लड़कर बैठे हुए हैं, भाई भाई से नहीं बोल रहा है और बहन से भाई लड़ा हुआ है। आज रिश्तेदारियों के अंदर देखो तो सही के हमारे घरों के अंदर, खानदान के अंदर कैसी कैसी गलत चीजें चली गई। आज हम लोगों के सामने जाकर खैरात करें, भला करें और घर के अंदर हम मां की खबर नहीं लें तो वो सखावत हमारी किस काम की? हम हमारी बहन को नहीं पूछें फिर हमारी सखावत किस काम की? हम दिखावे के खातिर अगर किसी की भलाई करते फिरे रहे और हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारी में कोई तकलीफ में है, हम उसकी तकलीफ दूर नहीं करें तो वो सखावत और वो हमदर्दी कोई काम की नहीं। पहले अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों की फिक्र करो, उनकी हालत देखो, भाइयों की देखो, बहनों की देखो, माँ बाप को देखो और रिश्तेदारों को देखो, अपने खानदान वालों को देखो और उसके बाद बाहर वालों को, उसके बाद देखो। आज हम दिखावे के लिए अपने दोस्तों के साथ में जब जाते हैं होटलों पर तो वहां एक ही बैठक में हम 1000, 2000, 2500 इस कदर वहां पर बैठकर भाई दोस्त दोस्त मिलकर खाना खा लेते हैं और ये फिक्र नहीं कि घर के अंदर माँ भूखी हो, पापा ने वालिद ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, उन्होंने क्या खाया होगा, और हम वहां पर बैठकर इतने रुपये एक ही वक्त में उड़ा देते हैं। ये
जब दीन और इस्लाम और किसी दीन के काम में देने की जब बारी आती है, तब हम वो जो वहां पर खर्चा किया था दोस्तों के अंदर अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, मगर जब दीन की बात आती है तब हमारी जेब टाइट हो जाती है। किसी गरीब फकीर को देने की बात आती है उस वक्त हम सोचते हैं, उस वक्त हम ये ख्याल करते हैं कि इसे दें कि नहीं दें, पता नहीं ये क्या करेगा, कहां ले जाएगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, फलां क्या है, वो क्या है, वो क्या है। मैंने खुद ने देखा है कि अगर कोई मुसाफिर, कोई चंदा करने वाले आते हैं तो लोग हर एक को जिस निगाह से देखते हैं, ये बहुत गलत है कि ये खराब होगा, फला होगा, ये होगा, शक की निगाह से देखा जाता है। अब पता नहीं कौन किस हालत में आया होगा। हम तो दे रहे हैं रब तबारक व तआला की राह में, रब तबारक व तआला की मोहब्बत में, रब तबारक व तआला के इश्क में, रब तबारक व तआला की राह में दे रहे हैं। अरे अगर यही चीज होती तो फिर अल्लाह ताला भी हमें देख कर देता कि ये पांच वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो तीन टाइम का खाना दिया जाएगा, एक टाइम की पड़ेगा तो एक ही वक्त का खाना मिलेगा। आज रब तबारक व ताला भी अगर इस चीज पर आ जाए तो आज सारी दुनिया के अंदर इंसान भूखे मरे। हम किसी को देने के लिए आते हैं तो हजार बार उससे पूछते हैं कहां से आया है, तेरे पीछे कौन है, वो कौन है, ये कौन है, अरे तुझे देना है तो दे, उसका वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए हबीब तुम्हारे दर पर कोई साइल आए तो उसे झिड़कना, तुम्हें देना है तो दो वरना उसे सवाल मत करो ज्यादा। हजरत सैयदना उस्मान गनी आपकी बारगाह में जब एक साहिल आया था, और वो साहिल पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास में गया था, वहां जाकर उनसे कहा मुझे कुछ दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं इस वक्त अमीर मदीना तो हूँ मगर मैं अमीर नहीं हूँ, मैं फकीर हूँ, गरीब हूँ, अभी मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। अब देखो कि रास्ता भी बता देते हैं, हमारे पास नहीं हो तो हम तो कहते हैं चले जाओ यहाँ, यूं नहीं कहते फला आदमी सफी है या वो देता है, उसके पास माल है, उसके पास चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक हमें ये सबक दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसी हालत वाला आए, उसने कहा मेरी बच्चियां जवान हैं, उनकी शादी के लिए हमारे पास में इतना माल नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों की शादी करवा दूं, तब आपने कहा कि उस्मान के पास में चले जाओ और उस्मान के पास जाओगे वो तुम्हें दे देगा। अब जब वो साहिल जाने लगा, उसने कहा हजरत आपका नाम लूं, वहां आपका नाम लूं, कहूं कि अबू बकर ने मुझे भेजा है, कहा कि नाम लेने की जरूरत ही नहीं, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, अरे वो उस्मान है, वो नहीं पूछता है कि कहां से आया है, किसने तुझे भेजा है, जा वहां चला जा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और जब वो साहिल वहां गया हजरत उस्मान गनी के पास, ये बात तो बहुत लंबी है, आपने दरवाजा खोला और खोलकर उसे पहले बिठाया, पूछा भी नहीं क्यों आया, बिठाया, पानी पिलाया, दूध दिया, कुछ खजूरें खिलाई, उसके बाद में पूछा हाँ बताओ किस काम आए हो, हाँ बताओ किस काम आए हो। तो फिर उसने अपनी जब गुरबत अपना हाल बताया, आपने कहा कि तुम ठहरो मैं अभी आता हूँ, और आप सीधे ही गए अपने खादिम से, अपने गुलाम से कहा इतना माल इसके लिए उसको जरूरत थी 3,000 दीनार की, मगर आपने 6,000 दीनार उसके लिए ऊंट पर रखवा दिए, कपड़े रखवा दिए, इतना माल रखवा दिया और ऊंट के ऊपर रखवा कर बाहर लाकर उसे खड़ा कर दिया। और उसके बाद आप अंदर गए, वो जो साहिल बैठा था उसे कहा आओ आपका सामान तैयार है। जब वो बाहर आया उसने कहा हुजूर कहा कि ये ऊंट पर रखा हुआ है ले जाओ, उसने कहा कि हजरत वापस ऊंट कौन लाएगा, माल तो ले जाऊंगा, ऊंट वापस मैं इतनी दूर से देने के लिए आऊंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि ऊंट वापस लाने के लिए नहीं दिया है बल्कि माल के साथ में ऊंट भी दे दिया, सवारी का भी।
करते। हजरत इमाम हसन आपके पास में भी जब कोई साइल आता, एक मर्तबा एक साइल बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता रहा और जब आप आए सबसे पहले आपने उससे माफी मांगी। कुछ देरी हो गई आपको आने में तो कहा कि मुझे माफ करना, तुम्हारे पास पहुंचने में मुझे वक्त लग गया, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। सहाबा का हम जिक्र सुनते हैं, अहले बैत का हम जिक्र सुनते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का जिक्र सुनते हैं। जिक्र सुनकर खुश नहीं हो बल्कि उनकी जो अदाएं हैं वो अपनाने की कोशिश करें। अगर हम उनकी अदाओं को अपनाने लग जाएंगे तो हम भी उनके महबूब हो जाएंगे और रब तबारक व ताला के भी महबूब हो जाएंगे। अल्लाह वालों की जो अदाओं को अपनाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को जो अपनाता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का महबूब हो जाता है। अल्लाह ताला ने खुद ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अल्लाह ताला ने खुद ने फरमाया है, तो हम क्यों नहीं अमल करें, क्यों नहीं जो हम यहां से बातें सुने उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें, अपनाने की कोशिश करें। अगर हम में से कोई एक भी अमल के रास्ते पर उतर गया, अल्लाह ताला इन तमाम महफिलों को कबूल कर ले, वरना यूं ही चले जाएंगे। यहां पर न्याज बनती है, खाकर हाथ धोकर मुंह पर हाथ फेर के निकल जाएंगे, हर दिन का यही चलेगा और ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। मजा कब आएगा? जब हम अमल करने लग जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक अपनाने की कोशिश करें कि हमारे सरकार किस कदर साइलों के साथ में आप सुलूक किया करते थे। आपके पास में एक यतीम जवान आया था, बहुत गरीब था वो आया, उसने आकर सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा छोटा सा खजूरों का बाग है और उसकी बाउंड्री नहीं बनी हुई है, उसकी दीवारें नहीं बनी हुई है और मैं चाहता हूं कि दीवार बना दूं, मगर मेरा जो पड़ोसी है उसका एक खजूर का दरख्त जहां पर मेरी दीवार बनने वाली है वहां पर है। आप इधर तवज्जो करें। उस जवान ने कहा कि मैं अपने बाग की दीवार बनाना चाहता हूं, मगर जो पड़ोसी है उसका एक खजूर का दरख्त जहां पर मेरी दीवार बनने वाली है उस जगह पर वो खजूर का दरख्त है और मैं उससे कह रहा हूं कि ये जो दरख्त है ये तू मुझे दे दे और इसकी कीमत ले ले, ये दरख्त मुझे दे दे, मगर वो दे भी नहीं रहा है। और अगर दीवार बनाऊं तो दीवार टेढ़ी होगी, दीवार टेढ़ी हो जाएगी और वो मान नहीं रहा है। सरकार ने उसे बुलाया और बुलाकर कहा कि ये तुमसे वो दरख्त मांगता है, कीमत ले लो और वो दरख्त दे दो। तो उसने कहा कि मैं दरख्त नहीं दूंगा, वो तो मैं ही रखूंगा, ये दीवार अपनी उधर कर ले, दीवार मोड़ दे। आपने उसे समझाया मगर वो माना नहीं। आपने कहा कि कीमत भी ले ले और भी अगर कीमत ज्यादा चाहिए तो भी ले ले, मगर उसने कहा कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे देना ही नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि दरख्त की कीमत भी ले ले और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुझे एक ऐसा दरख्त दूंगा, वो दरख्त यहां नहीं बल्कि जन्नत में, खजूर का वो दरख्त दूंगा जिस दरख्त के साए में अगर कोई सवारी पर 100 साल भी दौड़ता रहे तो उस दरख्त के साए को पार नहीं कर सकता। वो दरख्त ले ले, कीमत ले ले। उसने कहा कि मुझे ये नहीं देना, मैं नहीं लूंगा, और वो यूं कहकर चला गया। सहाबा बैठे हुए थे, हजरत अबू दहदा वो उठे और सरकार की बारगाह में आकर करीब होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह उस जवान को, इसके पड़ोसी को जो आपने आप बाग दे जो दरख्त दे रहे थे, जो सौदा आप उससे कर रहे थे कि उस बाग के बदले में कीमत भी ले ले और जन्नत का दरख्त भी ले ले, या रसूल अल्लाह अगर कोई
वो दरख खरीद कर उसे दे दे तो क्या उसके लिए भी वही सौदा है, वही कीमत है? सरकार ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, अगर कोई ये करता है तो उसके लिए भी वही जन्नत का दरख्त है। हजरत अबू दहदा वहां से उठे और उठकर सीधे ही उसके बाग में पहुंचे, जाकर उससे कहा कि तू मुझे पहचानता है? उसने कहा कि हाँ, आपको क्यों नहीं पहचानता, पूरा मदीना आपको पहचानता है, आप इतने बड़े ताजिर हो और आपके पास में इतना बड़ा बाग है। कहा कि हाँ, उन्हें सुना है कि उस बाग के अंदर कितने खजूरों के दरख्त है? तो उसने कहा कि हाँ सुना है, तुम्हारे बाग के अंदर 600 खजूरों के दरख्त है, 600। हजरत अबू दहदा ने फरमाया कि वो जो एक दरख्त है जो दीवार के अंदर, दीवार उसके ऊपर आ रही है, वो दरख्त क्या तू मुझे देता है? उसने कहा कि नहीं, मैं वो दरख्त नहीं दूंगा। हजरत अबू दहदा ने कहा कि मैं तुझसे सौदा करने आया हूं। कहा कि तुम क्या दोगे? हजरत अबू दहदा ने फरमाया, वो जो मेरे 600 खजूरों के दरख्त का बाग है, वो मैं तुझे इस दरख्त के बदले में देता हूं। 600 दरख्त एक दरख्त के बदले में हजरत अबू दहदा ने उसे दे दिया। उसने एक मरतबा कहा, मजाक मत करो मुझसे, मजाक कर रहे हो? हजरत अबू दहदा ने कहा कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, वो बाग तेरा है और उस बाग के अंदर आपका मकान भी था और वहां पर कुआं भी था, आपने 600 दरख्तों का वो बाग उसको एक दरख्त के बदले में दे दिया। और सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए, दौड़ते हुए आए और कहा, या रसूल अल्लाह, वो सौदा पक्का है जो आपने फरमाया था कि उस दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त दिया जाएगा? सरकार ने कहा कि हाँ अबू दहदा, वो सौदा पक्का है। हजरत अबू दहदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने वो दरख्त ले लिया है और मैंने उसको दे भी दिया है जिसको जरूरत थी। या रसूल अल्लाह, क्या वो सौदा मेरे लिए पक्का है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने यूं निगाह ऊपर उठाकर कहा, अबू दहदा, तूने इतना बड़ा काम किया है, मैं देख रहा हूं कि जन्नत के अंदर तेरे खजूरों के दरख्तों का बाग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसके अंदर ऐसी ऐसी खजूरें लगी हुई है। हजरत अबू दहदा मचलने लग गए और हुजूर ने फरमाया, अबू दहदा, बात तो सिर्फ एक दरख्त को देने की थी, वो देने की थी, मगर तूने 600 दरख्त दे दिए हैं। तो अबू दहदा, रब तबारक व तआला भी तुझे जन्नत के अंदर 600 बाग अता फरमाए, 600 तुझे बाग अता फरमाएगा। और सरकार बार बार फरमाते हैं कि अबू दहदा का ऐसा बाग है, इतनी खजूरें लगी हुई है, इतना बड़ा बाग है, इतना बड़ा दरख्त है, सरकार बार बार फरमा रहे हैं। और हजरत अबू दहदा, आप मचलते हैं, आप खुश होते हैं। वही हजरत अबू दहदा जब जंगे अहद के अंदर कुफ्फारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तीर चलाए थे, उस वक्त सामने आने वाले हजरत अबू दहदा ही थे और हजरत अबू दहदा ने अपने सीने पर वो तीर खा लिए थे और आप सरकार के कदमों में शहीद हो चुके थे। और जब जंगे अहद से फारिग हो चुके थे, उस वक्त सरकार ने पूछा, मेरा वो खजूरों वाला यार कहाँ है, मेरा वो खजूरों वाला, वो बाग वाला अबू दहदा कहाँ है? उस वक्त सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी हजरत दहदा शहीद हो चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू दहदा के करीब आए, तब आपने फिर वही कलमात दोहराए जो 600 बाग वाले जन्नत के अंदर थे, और आपने फरमाया, अबू दहदा को इतना बड़ा बाग मिल चुका है, इतना बड़ा बाग अल्लाह ताला ने जन्नत में अता फरमा दिया। इस कदर सहाबा का इश्क था। और सहाबा, हजरत अबू दहदा ने जब वो बाग दे दिया, एक बात कहना भूल गया, वो ये कि जब आपने बाग उसे दे दिया, अभी उस बाग के अंदर आपका घर था और घर में आपकी बीवी थी, आपके बच्चे थे, आपने वो बाग देकर आप अपने उस बाग के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, उस बाग के अंदर कदम भी नहीं रखते हैं, तो आपका बाग था, अब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर वो सारा दे दिया था। आप उस दरवाजे पर आकर कहते हैं, ए उम्मे दहदा बाहर आ जाओ, ए उम्मे दहदा बाहर आ जाओ, ए उम्मे
अहमदादा अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ। अब आपकी बीवी का ईमान भी देखो, वो भी समझती थी कि मेरा जो शौहर है बड़ा ताजिर है, ये कोई घाटों घाटे वाला सौदा नहीं करता है। वो बीवी जब अपने बच्चों को लेकर आ रही थी, कहा क्या हुआ? कहा कि सौदा कर लिया। कहा कि कौन सा सौदा किया है? कहा कि सरकार से सौदा कर लिया है। कहा कि क्या मिलने वाला है? कहा कि जन्नत में बाग मिलने वाला है, जन्नत में खजूरों का दरख्त मिलने वाला है। उनकी बीवी ने भी ये नहीं कहा कि तुमने घाटे का सौदा किया है। बीवी भी मुस्कुरा कर कहती है, मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। अरे तुमने सौदा बड़ा अच्छा कर लिया है, तुमने बड़ा सौदा अच्छा कर लिया है। और इस कदर हजरत अबू दहदा ने जब अपने बच्चों को देखा, बच्चों के हाथों में कुछ खजूरें थी, मुट्ठी में बंद की हुई थी। हजरत अबू दहदा ने वो मुट्ठी खोली अपने बच्चों की और खजूरें लेकर बच्चों के मुंह से, एक छोटे बच्चे के मुंह में खजूर थी, आपने उंगली डालकर निकाली और निकाल कर उस बाग के अंदर फेंक दी और कहा कि बेटा यहाँ पर अब हमारा हक नहीं है, हमने ये बाग अल्लाह ताला के लिए दे दिया है, उसके महबूब की जबान पर दे दिया है कि मौला राजी हो जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। देखो उनका इश्क, तो देखो अपने बच्चों के मुंह से उंगली डालकर खाने की चीज निकाल। आज है हमारे घरों के अंदर ऐसी बीवियां, है हमारे घरों के अंदर ऐसे मर्द जो दीन इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अगर कुछ हिस्सा भी रह जाए तब भी छीन कर वापस दीन इस्लाम की राह में दे। कैसी आपकी बीवी थी? और बताया गया कि हजरत अबू दहदा के पास में उस बाग के सिवा और कुछ नहीं। अब बताओ कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, वो आशिक, भरोसा करते थे तो किस चीज पर करते? उनका ईमान था, उनका भरोसा था कि ये दुनिया तो फानी दुनिया है, यहां अगर बाग बड़े से बड़ा बाग हो, बड़े से बड़ा खेत हो, बड़े से बड़ी मिले हो, बड़े से बड़े कारखाने हो, अरे ये सारे के सारे तो यही रह जाने हैं, हमें मरकर रब की बारगाह में पहुंचना। आज हम समझते हैं हमें तो यही रहना, एक कारखाना बना लिया दूसरा बना लो तीसरा बना लो, खेत ले लिया तो खेत बढ़ाते रहो, कारोबार बढ़ता है तो बढ़ाते रहो, मगर दीन के रास्ते के अंदर भी देखो, दीन की खिदमत की तरफ भी तवज्जो करो और अपनी आखिरत की तरफ भी तवज्जो करो। हमारे नाम आए आमाल में हमारे पलड़े के अंदर नमाजें कितनी हैं, रोजे कितने हैं और हमने नेक आमाल कितने किए हैं, इसलिए कि यहाँ पर हर चीज रह जाने वाली है, हमें मरकर रब की बारगाह में पहुंचना। वो लोग तो सौदा करते थे रब तबारक व तआला की मोहब्बत में, इसलिए कि उनका ईमान था कि यहां नहीं रहना है बल्कि वहां रहना है, सारा आराम वहां का है, यहां तो तकलीफें ही तकलीफें, इसलिए सब कुछ वो लोग कुर्बान कर देते थे। अल्लाह ताला से हम दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी ऐसा दिल अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी दीन की खिदमत में काम ले लें, अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए और जिन्होंने शुरू की है अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह।